नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर दिन रविवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, रैयतों को कागज खोजने के लिए मिलेगा 3 महीने का समय। राज्य में ड्रोन से नदियों की धारा की होगी निगरानी। मानसून के पहले और मानसून के बाद नदियों के बहाव का होगा अध्ययन। जल संसाधन विभाग बना रहा ये कार्य योजना। बिहार में औद्योगिक विकास में आई तेजी। औद्योगिक परमिट जारी करने में 7वें स्थान पर पहुंचा बिहार। बिहार के समग्र विकास में सहायक होगा सिद्ध। बढ़ते अपराध पर सीएम नीतीश के दिखे कड़े तेवर। अधिकारियों की बुलाई हाई लेवल मीटिंग। विधि व्यवस्था की हुई समीक्षा। फैमिली मैन 3 की चल रही शूटिंग। मनोज वाजपेयी ने दिखाए सेट की झलकियां। अगले साल होगी रिलीज। शुभमन गिल ऋषभ पंत ने लगाया शतक। भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रनों का रखा लक्ष्य। भारत को मिली जीत की सुगंध। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली है भर्ती। ये भर्ती कुल 140 पदों के लिए है। एचओ उम्मीदवार को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म सीएसपी जीसीएल ऑफिस के पते पर भेजना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में बीटेक किया हो या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा राज्य के तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में रैयतों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में लगातार कई जगहों से विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सर्वे कर्मी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी कागजात देने में मनमानी और जमकर वसूली का काम कर रहे हैं। इससे रैयतों में और आक्रोश है। इसे देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों को फील्ड में भेजा था। लोगों की समस्या हमने इकट्ठा किया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी अधिकारी और सर्वे कर्मी रैयतों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आम लोगों को कागजात निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम जल्द ही आदेश निकालने वाले हैं। हम रैयतों को 3 महीने का समय देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगी खोजी अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 19 सितंबर से शुरू है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कुष्ठ रोगी की खोज करेंगे। आपको बता दें कि एमडीटी से कुष्ठ रोगी का पूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ रोग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि शरीर के किसी भी हिस्से में तांबई या शरीर के रंग से हल्के रंग का दाग हो और उस दाग में सूनापन हो तो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। हाथ और पैर के नस का मोटा होना, दर्द या झुनझुनी होना, ये कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। याद रखें, उपचार के बाद कोई भी कुष्ठ रोगी किसी दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकता है। यदि इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी से मुलाकात नहीं हो पाती है तो कुष्ठ रोगी सरकारी जाँच केंद्र जा सकते हैं। बिहार के आर के सिन्हा का आज जन्मदिन है। ये एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1951 में बक्सर में हुआ था। इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक निजी सुरक्षा प्रदाता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज की स्थापना की थी। इनकी ये कंपनी देश और एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है। वहीं विश्व में इनकी कंपनी 5 बड़ी सुरक्षा कंपनियों में से एक है। इन्होंने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए सुरक्षा और खुफिया सेवाएँ बनाई थी। औद्योगिक विकास के आंकड़े प्रदेश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 42,301 इकाइयों को औद्योगिक परमिट साल 2015 से 2023 तक दिए गए हैं, जिससे बिहार औद्योगिक परमिट जारी करने के मामले में देश भर में 7वें स्थान पर आ चुका है। पूर्वी भारत में दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार सबसे आगे है। बिहार में अब उद्योगों की स्थापना में कोरोना के बाद से तेजी आई है। कुल 40% औद्योगिक परमिट वर्ष 2021, 2022 और 2023 में जारी किए गए थे। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाने जा रहा है। ये नया फीचर यूजर्स को चैट का रंग रूप बदलने की सुविधा देगा। अब यूजर्स विभिन्न थीम्स के विकल्पों के जरिए चैट बबल और वॉलपेपर के रंग कस्टमाइज कर सकेंगे। ये जानकारी WA Beta Info ने साझा की है।
जो बताता है कि ये फीचर अभी विकासाधीन है और जल्द ही बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप एक कॉन्टैक्ट मेंशन फीचर पर भी काम कर रहा है। इससे यूजर्स स्टेटस अपडेट करते समय किसी खास व्यक्ति को मेंशन कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ये फीचर चैटिंग और स्टेटस अपडेट को और दिलचस्प बनाएगा। जब आप हाईवे से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने का सोचते हैं तो टोल शुल्क देना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाईवे पर कितना टोल कटेगा तो उसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग ऐप में जाकर सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में NHAI का चयन करें। इसके बाद टोल एन रूट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपकी अपनी यात्रा की शुरुआत और मंजिल भरनी होगी, जैसे पटना से लखनऊ। जानकारी भरने के बाद सर्च करें और आपको टोल टैक्स की जानकारी मिल जाएगी। इसके अनुसार आप अपने फास्टैग अकाउंट में उतने ही पैसे रिचार्ज कर सकते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारियों से रात में औचक निरीक्षण करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को पूरी तन्मयता से काम करना होगा। 1 दिसंबर को आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी दी है। CBSE द्वारा सीटेट परीक्षा को लेकर जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक अब ये परीक्षा 1 दिसंबर की बजाय 15 दिसंबर को होगी। हालांकि परीक्षा क्यों स्थगित की गई है इसकी जानकारी CBSE ने अभी तक नहीं दी है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा कहा गया है कि जिस शहर में ज्यादा उम्मीदवार है वहां 14 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है। परीक्षा से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट seated.nic.in पर जा सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में सड़क सुरक्षा और परिवहन सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई है। संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद BH नंबर प्राप्त करने वाले वाहन मालिकों को अब वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य होगा। जिन वाहन मालिकों ने पहले ही BH नंबर लिया है और 2 वर्षों का टैक्स जमा किया है, उन्हें शेष 12 वर्षों का टैक्स निर्धारित समय सीमा में भरना होगा, नहीं तो उन्हें जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। अपकमिंग सीरीज द फैमिली मैन 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें बिहार के मनोज वाजपेयी फिर से नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता इन दिनों अपनी शूटिंग को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं। अब इसी बीच इस सीरीज में नजर आने वाली श्रेया धनवंतरी, जो इसमें जोया का किरदार निभाएंगे, उन्होंने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है। इसमें मनोज वाजपेयी और शोएब हाशमी भी नजर आ रहे हैं। शूटिंग के दौरान की ये तस्वीर काफी मजेदार है। इसमें तीनों अपने पोज देते दिखाई दे रहे हैं। MSME आइडिया हैकाथॉन 4.0 की मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME ने घोषणा की है। इसमें 18 से 35 वर्ष के छात्र आमंत्रित होंगे, जहां वे स्टार्टअप्स और MSME से इनोवेटिव आइडिया दे सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो पार्टिसिपेंट एफिलिएट के माध्यम से हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको my.msme.gov.in पर जाना होगा। इसमें चयनित उम्मीदवारों को एक्सपर्ट सिलेक्शन समिति द्वारा इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना होगा। वहीं प्रोटोटाइप स्टेप में जो लोग हैं उन्हें इक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए चुना जाएगा। साथ ही 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। गंगा नदी के किनारे स्थित कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। इसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। बाढ़ के कारण प्रदेश के करीब 9.78 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन 125 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन कर रहा। इसके अलावा आठ राहत शिविर की व्यवस्था भी की गई है, जहां 4,000 शरणार्थी ठहरे हुए हैं।
राज्य में नदियों की धारा की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये अध्ययन मानसून से पहले और बाद में नदियों के बहाव का विश्लेषण करेगा, जिससे अप्रत्याशित जल प्रवाह और बाढ़ की समस्या को समझने में मदद मिलेगी। कई नदियों में पानी की मात्रा अचानक बढ़ती या घटती है, जिससे तटबंधों पर दबाव पड़ता है। इससे नए संवेदनशील स्थल बनते हैं और पुराने स्थानों को नुकसान होता है। विभाग का मानना है कि ड्रोन निगरानी से बाढ़ के प्रभावों को समझना और तटबंधों की स्थिति का आकलन करना आसान होगा। इससे बाढ़ की तैयारियों पर होने वाले खर्च में कमी आ सकती है, जिससे हर साल 800 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आसमान में फ्लाइट कितनी ऊंचाई तक उड़ती है? बता दें, फ्लाइट उड़ाने की उच्चतम सीमा 42,000 फीट है। दरअसल इससे ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए प्लेन के इंजन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसके अलावा प्लेन के केबिन में प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा। कॉमर्शियल विमान की उड़ान आमतौर पर 31,000 और 38,000 फीट के बीच उड़ान भरते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर आमतौर पर 10,000 फीट से नीचे ही उड़ान भरते हैं। बिहार में निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अब सुधा घी को कनाडा भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भी कदम रखने की योजना है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कॉम्फेड ने एक्जिम बैंक के साथ समझौता किया है और अगले 1 से 2 महीनों में सुधा घी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतर जाएगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर यह योजना आगे बढ़ रही है, जिसके तहत पहले चरण में 1 टैंकर सुधा घी कनाडा भेजा जाएगा। कॉम्फेड के अधिकारियों का कहना है कि सुधा घी की गुणवत्ता किसी भी अन्य ब्रांड से कम नहीं है। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में भी इसे उपलब्ध कराने की योजना है। विशेष रूप से छठ पर्व के दौरान सुधा का दूध वर्तमान में 3 राज्यों में भेजा जा रहा है और हवाई अड्डों पर सुधा के कियोस्क शुरू करने की योजना भी है, जिससे अधिक लोग सुधा के उत्पादों से परिचित हो सके। बिहार में बढ़ते अपराधों के चलते सरकार की किरकिरी हो रही है। इस मामले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। शनिवार को उन्होंने आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार को सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं, जिससे सरकार के दावों की पोल खुल रही। हाल के दिनों में मर्डर, लूट और डकैती जैसे गंभीर घटनाओं ने विधि व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर दिया है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई थी, जिसमें नवादा कांड और अन्य अपराधों पर चर्चा की गई। प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम चुका है। लोग अब उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। बिहार में फर्जी शिक्षकों की पहचान की जा रही है। गोपालगंज में 4 और शिक्षिकाएं मिली हैं, जिन्होंने CET परीक्षा में कम अंक होने के बावजूद भी नौकरी हासिल की। पहले से 9 शिक्षिकाएं चिन्हित की जा चुकी हैं, जिससे संख्या अब 13 हो गई है। इन सभी शिक्षिकाओं की नौकरी जाने की संभावना बनी हुई है और ये सभी बिहार से बाहर के निवासी हैं। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली के अनुसार बाहरी राज्य के महिला अभ्यर्थियों को CET परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन इन शिक्षिकाओं के अंक इससे कम थे। शिक्षा विभाग के DPO मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि सभी 13 शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगरानी विभाग ने रक्सौल थाना में पदस्थापित दरोगा और चौकीदार को घूस लेते पकड़ा है। इस दौरान ये 18,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। रक्सौल के नागर रोड वार्ड नंबर 22 में बच्चा गिरी के मकान में 18,000 रुपए रिश्वत लेते दरोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रंगो हाथ पकड़ा था। दरअसल परिवादी के पिता का नाम हटाने को लेकर केस डायरी में मदद के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत तय किए गए थे। गिरफ्तार हुए दरोगा का नाम संजीवन पासवान है और चौकीदार का नाम रोहित कुमार है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और रनवे के विस्तार को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने, दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद के बीच उड्डयन मंत्री ने उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने का विभाग को निर्देश दिया। संजय झा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट X के जरिए शेयर की है। उन्होंने बताया कि दरभंगा उड़ान योजना के तहत एक अत्यंत सफल एयरपोर्ट है, जो हर साल 5 लाख से भी ज्यादा यात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती पर 23 सितंबर को सिमरिया दौरे पर रहेंगे। राजभवन से भेजे गए सहमति पत्र के अनुसार राज्यपाल दिनकर स्मृति विकास समिति के निमंत्रण पर सिमरिया आ रहे हैं। बता दें कि दिनकर प्लस टू स्कूल सिमरिया में 10:30 बजे उनका कार्यक्रम है, जहाँ वे दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन 24 सितंबर को दिनकर पुस्तकालय के सभागार में दिनकर और हमारा समय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगा, जिसमें स्मारिका का विमोचन और प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। दिनकर स्मृति विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा है कि तैयारियां तेज है। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच चेपॉक में चल रहे पहले टेस्ट का तीसरा दिन खराब मौसम के कारण पूरा नहीं हो पाया। तीसरे दिन के खेल समाप्ति तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए थे। इससे पहले भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 287 रन पर अपनी पारी घोषित की, जिसमें ऋषभ पंत ने 109 रन और शुभमन गिल ने 119 रन बनाए। बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का लक्ष्य मिला। बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लेकर उन्हें परेशानी में डाल दिया। जाकिर हसन 33 और सादमान इस्लाम 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान नजमुल हुसैन 51 और साकिब अल हसन 5 रन पर नाबाद हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1599 में लंदन के फाउंडर हॉल में 21 व्यापारियों की बैठक हुई, जहां भारत के साथ कारोबार के लिए एक नई कंपनी स्थापित करने की चर्चा की गई थी। आज के दिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। आज के दिन वर्ष 2011 में भारतीय योजना आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में शहरों में 965 रुपये और गांव में 781 रुपये प्रति महीने खर्च करने वाले को गरीब मानने से इनकार किया था। आज के दिन वर्ष 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। एक YouTube चैनल टेक गुड लाइक एक के वीडियो थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी महिलाओं को 16,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। लोगों को भ्रमित करने के लिए यह दावा किया जा रहा है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी 11 सितंबर। इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही उत्तर है मुंबई। बिहार का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है पटना। दरिया खान नूहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1416 से 1818 में, ऑप्शन बी है 1495 से 1522 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1565 से 92 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1435 से 52 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1495 से 1522 ईस्वी में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विजय, राजीव कुमार, नवल किशोर झा, अब्दुल मनन, अंशु कुमारी, सोनू यादव, मुकेश यादव, संजीव कुमार, मोतीलाल कुमार, प्रदीप पंडित, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार, सपना कुमारी, सादुल्ला पालवी, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल, क्या आपकी तरफ भी किसी सरकारी अधिकारी द्वारा घूस की मांग की जाती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।